कल शाहरुख खान से लेकर कई एक्ट्रेस ने अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन सलमान खान ने अपने फैंस को कल इस बात के लिए नाराज किया। दरअसल हुआ यूं, सलमान खान की एक झलक पाने के लिए इंतजार में हजारों लोग उनके घर के बाहर जमा हुए थे। हर बार ईद पर सलमान खान अपने घर के बालकनी में आकर अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ये फैंस खाली बहुत देर तक सलमान खान का इंतजार ही करते रहे। आखिर सलमान खान ने ऐसा क्यों किया, जान लेते हैं इसकी असली वजह। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से मिली जान से मारने की धमकी को लेकर कल सलमान खान ने अपनी सुरक्षा के लिए ये फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सूत्रों ने जानकारी दी, सलमान खान ने अपने अपार्टमेंट के पास 10 स्पेशल ऑफिसर्स को तैनात किया है। सलमान खान की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये ऑफिसर सलमान खान के साथ उनके फिल्म के सेट पर भी जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सलमान खान के बिल्डिंग के आसपास के इलाके में 15 सीसीटीवी कैमराज लगाए हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया था, सलमान खान की हत्या करने के लिए शार्प शूटर उनके करीब उनके घर के पास पहुंच गया था, लेकिन हमलावरों ने कुछ करने से पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और हमलावर वहां से भाग गए। और यही बात है कि सलमान खान कल अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए फैंस को ईद की मुबारकबाद देने नहीं आए। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को ये धमकी दी है कि वो और उनके लोग सलमान खान को तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक वो सार्वजनिक तौर पर काला हिरण की हत्या के लिए माफी मांग नहीं लेते। अगर सलमान और उनके पिता ने जाबाजी मंदिर में जाकर माफी नहीं मांगी तो लॉरेंस उनकी हत्या कर देगा। तो पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की इस धमकी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि हर वक्त सलमान खान जहां पर भी जाते हैं उनके साथ पुलिस ऑफिसर की स्पेशल फोर्स तैनात रहती है। फिलहाल इतना ही, अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। और भी ज्यादा ऐसे अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।